मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीन हम आपको बताएंगे और ये तीनों इस तरह का प्रश्न है कि आपको नहीं पता होने पर हमेशा आप गलत मारेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ किस तरह का प्रश्न है। तो देखिए, हम पहले आपको चर्चा कर लेते हैं सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। फिर सर्वोदय समाज का स्थापना किसने किया। फिर जो है सर्वोदय योजना का स्थापना या प्रारंभ किसने किया। तो ये सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और ये तीन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको तीनों नहीं याद है तो आप थोड़ा सा मिस्टेक के चलते ये गलत प्रश्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको ये तीनों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। सर्वप्रथम जो है सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी। अब देखिए, सर्वोदय समाज का स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम या फिर कह सकते हैं सर्वोदय योजना का स्थापना ही किसने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा, विनोबा भावे। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि सर्वोदय समाज का स्थापना किसने किया था? तो विनोबा भावे। अब देखिए, बच गया लास्ट में सर्वोदय योजना, इसका स्थापना किसने किया था या प्रारंभ किसने किया था? तो आंसर होता है जय प्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोलेगा तो महात्मा गांधी, सर्वोदय समाज का स्थापना बोलेगा तो विनोबा भावे, और सर्वोदय योजना का स्थापना बोलेगा तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो था, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में एक आपको जवाब देना है प्रश्न का, और वो प्रश्न है कि सर्वोदय योजना, ये जो योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना है आपको। प्रारंभ, प्रारंभ जो है ये कब हुआ था, कब, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए, आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।